अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा ट्विस्ट है जो मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे किस्मत के साथ ऐसा ट्विस्ट होगा। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, आप सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। ओके, इतना टाइम वेट करने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ ना मिले तो बुरा लगता है, लेकिन बैठे बैठे हो चुका है पूरा 4 घंटा। अभी सामने से जा रहा है यार, इतने हेलो, दिस इज योर दीपक दत्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक दत्त ब्लॉग्स। और मेरे साथ है संजीव। तो अभी मैं हूँ बालीपाड़ा में। बालीपाड़ा में इसलिए आया हूँ क्योंकि तो मालूम है नॉर्थ ईस्ट राइड कर रहा है डब्लू भैया, अमीर भैया, बी आर बाइकर समीर भैया और कंकन भैया, इन सब राइड कर रहा है नॉर्थ ईस्ट। तो आज भैया लोग, आज मतलब कल था भैया लोग विश्वनाथ चारियाली में, तो आज बालीपाड़ा होकर गुवाहाटी जाएंगे शायद, इसलिए मैं भी आ चुका हूँ बालीपाड़ा ताकि भैया सभी से मिल सकूँ बालीपाड़ा में। और पहले भी मिला था डिम्पू भैया से, तो थैंक यू बालीपाड़ा जो बार बार मुझे मौका दे रहा है। और बाकी डिम्पू भैया का अगर वीडियो नहीं देखा तो ये वाला वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर आराम से देख सकते हैं। और अभी वेट कर रहा हूँ भैया सभी के लिए, मालूम नहीं कब आएगा। ओके, वेट करते हैं। अभी हम लोग है बालीपाड़ा तेजपुर रोड में, यहाँ में बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ से लोकेशन देखिए एक बार, डायरेक्ट आएंगे वहाँ से तिनाली होके, तो यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे रुकेगा ना यहाँ पे रुकेगा बोलकर, तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे रुका हुआ है पहले से। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ओके, वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। अभी वेट करते करते 1 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं आया, मालूम नहीं कब आएंगे बोलो। अभी बैठे बैठे हो चुका है पूरा 2 घंटा लेकिन अभी तक नहीं आया। टाइम हो रहा है 12, हम लोग याद आ रहे थे 10 बजे। और अभी वेट करते करते 3 घंटा हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 1। और जस्ट कंकन भैया ने एक स्टेटस दिया है कि वो लोग निकल रहे वहां से, तो हमने सोचा था कि सुबह आ जाएंगे लेकिन सुबह नहीं, अभी तो टाइम बहुत हो गया। तो कुछ नहीं है, हम फैन है, हम वेट कर सकते हैं 3 घंटा क्यों, 4 घंटे भी वेट कर सकते हैं। तो अभी मालूम नहीं कब आएंगे, देखते हैं। ओके, अभी वेट करते करते 3.5 घंटे हो चुका है। अभी चिप्स लेकर आ गया अंकल, चिप्स ये पहले खा लेते। अभी बैठे बैठे हो चुका है पूरा 4 घंटा, अभी टाइम हो रहा है 2, लेकिन थोड़ा टाइम वेट करेंगे, आधा घंटा वेट करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते क्या नहीं। शायद आधा घंटे में आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है यार, बहुत टाइम से एक ही जगह पर वेट कर रहे हैं, एक ही जगह पर, देखते हैं अभी। ओके, लगाया किसी को और अभी टाइम 3 बजने वाला है, 5 घंटा वेट हो ही गया पूरा। अभी सोच रहे निकल जाएगा यहाँ से, 3 बज गया, बहुत टाइम वेट किया, सच में बहुत टाइम वेट किया यार, एक ही जगह कहीं पर गया भी नहीं, सोचा था कहीं कहीं जाने से अगर निकल जाएगा यहाँ से तो इसलिए यहाँ पर ही बैठा हुआ, यहाँ पर ही, लेकिन पूरा पक्का 3 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। ये वाला रास्ता से जितना बाइक अप एंड डाउन कर रहा है, मतलब जो आ रहा है सबको एक एक को गौर करके देखा जा रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है। और बाकी 3 बजने में 3 मिनट है, अगर 3 मिनट में कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो लंगा पड़ा, बहुत टाइम वेट किया सच में। अगर आप में से अगर कोई ऐसा देख रहा है उन तक पहुंचा दीजिए ये वाला वीडियो, एक जगह में 5 घंटा से वेट कर रहा है। वेट करना कोई बड़ा बात नहीं है लेकिन मामूली बात भी नहीं है क्योंकि एक जगह में 5 घंटा। और कितना टाइम, 3 मिनट। मुझे क्या लग रहा है, भैया ने जब स्टेटस पे बोला था विश्वनाथ चारियाली से तेजपुर, तेजपुर से ढिकाजुली, मिडिल में बालीपाड़ा नहीं बोला था, लेकिन जाने का रास्ता तो यही है, मिडिल से कोई रास्ता नहीं है, मुझे मालूम नहीं। चलो टाइम इज ओवर, ओवर देखिए 2:59, लास्ट 1 मिनट, मतलब कुछ ही सेकंड का टाइम है, कुछ
कुछ इस सेकंड हो गया कंप्लीट, मोबाइल ऊपर हो गया कंप्लीट, 3 बज गया, निकलते हैं, बहुत टाइम वेट कर लिया, चलिए बाइक घुमाओ ये अंदर आओ, कुछ नहीं होगा अभी घुरा तू घुरा हम चला मावी एपरे घुरा ओबे ऐसे ऐसे ये ना माकस माकस सामने से जा रहा है यार, इतने वोट किया इतना टाइम वेट किया, अभी 3 बजे जा रहा है, छी 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 ओबे लेकर तू से इतना टाइम वेट किया पूरा 3 बजे आया यार, टाइम दिखा टाइम दिखा, टाइम देखे 3:01, हमने पूरा श्योर किया था 3 बजे निकल जाएंगे, लेकिन और ये बोल रहा था कि नहीं यहाँ से नहीं आएगा, वहां से एक रास्ता है, लेकिन यहाँ से आया अरे तो बहुत गाड़ी हाँ, थैंक यू धन्यवाद, हाँ दो थैंक यू, यस आप खिलाड़ी हम अनाड़ी यार मिलने नहीं सका, सिर्फ इतना टाइम से देखिए भालुकुंभ का ट्रेन गया भी था आ भी रहा है, मिलने नहीं सका, इतना बुरा लग रहा है कि इतना टाइम वेट करने के बाद भी इतना स्पीड से चला गया यार, चले कुछ नहीं लास्ट टाइम में हो गया ना, मिल लिया इससे बोला बाइक घुमाने के लिए उसी टाइम मिल लिया, और वीडियो एक मिनट भी ऑफ नहीं हुआ, एक मिनट भी नहीं, ओके तो निकलते हैं दोस्त, ओके निकलते हैं इतना टाइम वेट करने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ ना मिले तो बुरा लगता है, लेकिन वो भैया लोग भी बहुत स्पीड में था, शायद देखा भी नहीं अगर, और एक भैया ने देखा ऐसे हाथ दिखाया था, तो कुछ नहीं हो सकता है, जो किस्मत का खेल है, जो होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो कभी नहीं होता है, तो बात कुछ ऐसा ही है। आई होप आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी सब एकदम बढ़िया है, ठीक है मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय बाय, मजा नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ कि ऐसे टाइम में मैं घर में घुसने ही वाला था, बस संजीव को घर में ड्रॉप करके मैं घर आ ही गया, उसी टाइम में प्राण जो निशा भाई का कॉल आया कि वो लोग अभी विशांचाली में है, अभी तक नहीं निकला यहाँ से, तो मैंने पहले जिसे देखा था वो शायद किसी दूसरा राइडर होगा, कोई दूसरा भैया हो सकता है, लेकिन इतने स्पीड में गया तो मैं ठीक से देख भी नहीं पाया, तो अभी फिर से जाना हो, ओके तो चलिए चलते मिलकर ही जाएंगे आज, तो देखते क्या होता है। मैंने सोचा था चला गया बोलकर दूसरा राइडर देख लिया था, तो मैं फिर से जा रहा हूँ और संजीव घर चला गया, जितना जल्दी हो सके चलता हूँ देखते हैं, ओके लेकिन मिलना अभी मजा आएगा ना, तो उस टाइम वहां पे जाकर रुका था, तो इस टाइम यहाँ पे आके रुके हैं, अभी देखते हैं इस बार मिल सकते हैं कि नहीं, उस टाइम वो भैया लोग शायद कोई और होगा, मतलब और राइडर हो सकता है, और इस बार जो है वो सही है एकदम, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे मिल रहा है, पहले नहीं मिला था लेकिन अभी मिला, ओके अभी देखते हैं। और अभी जस्ट यहाँ में बैठे बैठे हुआ में निशल भैया प्रांजल लोग वहाँ में हैं, तो वहाँ में रुका है भैया लोग मतलब सभी, तो अभी जस्ट वीडियो कॉल में निशल था मुझसे बात करा दिया और मैंने थोड़ा बात किया, वो सीन देखिए यहाँ में थोड़ा टाइम, और उसके बाद भैया ने बोला मिलेंगे रास्ते में, वो आ रहा है अभी, ओके सभी के लिए मैं आज मिल पाया, थैंक यू स्पेशल थैंक्स निशाल दा, थैंक यू मिल पाया, अब बाकी बातें घर में जाके करते, ओके
और फाइनली 5-6 घंटे का वेट के बाद फाइनली मिलने सका अमिर भैया से। बाकी सबसे तो मिलने नहीं सका, लेकिन जितना भी हुआ मेरे लिए बहुत है। और क्या ही बताऊँ, निशान भैया और प्रांजल को तो दिल से थैंक यू यार। अगर वो दोनों नहीं बताते तो मैं इतना टाइम घर में सो रहा होता और वीडियो इतना तक नहीं आता। वो लोग ने फिर से बताया, मैं पहुंच ही गया था घर, गेट खोल रहा था, फिर उन लोगों ने कॉल किया, उसके साथों साथ मैं निकल गया। फिर से जाकर वहां पर रुका, 5 मिनट रुकने के बाद आ गया। मतलब एक चीज मैंने देखा, अगर किसी चीज को आप दिल से पाने का कोशिश करो तो पूरा कायनात उसे तुमसे मिलाने का साजिश में लग जाता है। सच में सरकुन सा ने बोला था ये बात सच वाच मेरे साथ पूरा। आई होप आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा, अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सब एकदम बढ़िया है, ठीक है, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज इस ब्लॉग को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, अगर आप यहाँ तक आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।